नमस्कार संसार क्रांति की टीम इसमें भिवानी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और जैसा कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और विपक्ष की यदि हम बात करें तो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और उन्हीं की बारीकी से हम उन चुनौतियों के बारे में या फिर उन आरोपों के बारे में खुद इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नंदराम धानिया जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं भिवानी के, उनकी ही जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। जो सत्ता पक्ष के जो आरोप लग रहे हैं बार बार सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष द्वारा जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है। स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। तो प्रधान जी, यदि विपक्ष की हम बात करें तो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कभी योजनाओं के नाम पर, कभी शोषण के नाम पर, कभी किसानों के शोषण के नाम पर, तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। और आपका जहाँ तक अनुभव है, सांगठनिक और सामाजिक और राजनीतिक अनुभव काफ़ी लंबे समय से आपका है और इसमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको पार्टी के द्वारा दी गई है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव भी नज़दीक हैं तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और जो मतदाता हैं उनको जो विपक्ष द्वारा बार बार उनके ऊपर उनको बताया जाता है अभी सत्ता पक्ष ने हमारा ये शोषण कर दिया, ये किया, वो किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में और हरियाणा में सरकार बनी है जी। विपक्ष के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अंधेरे में तीर चला रहा है किसी विषय को लेके, जैसे SYL जैसा मुद्दा पुराना वो इनेलो उठाए हुए है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस बार बार बात करती है, अब उनको यही नहीं पता स्वामीनाथन रिपोर्ट में स्वामीनाथन ने क्या क्या सिफारिशें जारी की थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। SYL का जो मामला है उसको लेके हम कोर्ट से जीत चुके हैं और हम बहुत अच्छी तरह से उसकी पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइन में अंतिम खड़े व्यक्ति के लिए ये सरकार समर्पित है। गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हम इस समय इस साल मना रहे हैं और अनेकों योजनाएँ, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, चाहे वो स्वाभिमान योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना हो, अनेकों योजनाओं के माध्यम से गरीब आदमी को हम ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी, विपक्ष की बात करें तो वो कहते हैं जो सत्ता पक्ष है उनके नारों में दम है, उनके स्लोगन में दम है, उनकी योजनाओं में दम है, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जब अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी जिले का दौरा किया, उन्होंने अपनी जनसभाओं में, जैसे उज्ज्वला योजना का मैं जिक्र करूंगा, अपनी जनसभाओं में उन्होंने ये कहा कि इस जनसभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं जिसके घर में गैस का कनेक्शन नहीं है वो कृपया हाथ उठाएं। तो एक आध व्यक्ति ही पूरी जनसभा में हाथ उठा के ये कहता था कि मेरे घर में गैस का कनेक्शन नहीं है। मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में कोई भी एक घर 15 अगस्त के बाद, कोई एक घर गरीब से गरीब की झोंपड़ी, कोई एक भी ऐसी नहीं बचेगी जिसमें गैस का कनेक्शन नहीं हो। हमने जिस तरह से पूरे हरियाणा को केरोसिन मुक्त किया है, केरोसिन की किसी को इस समय ज़रूरत नहीं थी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी जी। किसी आदमी ने आके ये दावा नहीं किया कि मेरा जो है ना आपने तेल समाप्त क्यों कर दिया। तो इस तरह की योजनाएं जो पिछले दिनों जो कांग्रेस सरकार ने लागू कर रखी थी उनको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजनाबद्ध तरीके से आधार कार्ड से लिंक करके, चाहे वो पेंशन योजना है, चाहे वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना है, चाहे वो स्कूलों में एडमिशन को लेके जो योजना है, इस तरह की जितनी भी योजनाएं थी उनको आधार कार्ड से लिंक करके और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में पूरी तरीके से ये सरकार लगी हुई है और हम इसमें अच्छी तरह से कामयाब हो रहे हैं। प्रधान जी, एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे पिछले दिनों विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया, उसमें आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे जीत को लेकर के, और अभी ताज़ा प्रकरण की हम बात करें तो उपसभापति का जो चुनाव हुआ है जो राज्यसभा में, उसमें भी दो
पक्ष बने हुए थे, चाहे हरिवंश की बात करें और दूसरे भी विपक्ष से हरि प्रसाद जी, तो ऐसे में विपक्ष वहाँ भी आरोप लगा रहा है कहीं ना कहीं जो निचले सत्र पे या फिर अंदर खाते कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र किया है, जबकि राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने के बावजूद भी उपसभापति NDA का आता है, तो इसमें कहाँ मतलब कुछ दाल में काला नज़र आता है, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मेरा तो यही कहना है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब जब हमारे को कोई सफलता नहीं मिलती, उनको ये लगता था कि हम पूरे विपक्ष को, जिस तरीके का विपक्ष है बटा हुआ, वो क्षेत्रीय दल हैं, वो विपक्ष नहीं कह सकते उनको, क्षेत्रीय दल हैं, किसी स्टेट में किसी की सरकार है किसी, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को काफ़ी क्षेत्रीय दल भी जो हमारे सहयोगी हैं, हमेशा से हमारे NDA का हिस्सा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ हम नीतियाँ बना रहे हैं, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो हमारा हिस्सा हैं। उनको लगता था कि हम उनको तोड़ पाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे तो प्रधान जी, तमाम जो राजनीतिक दल है दलित वंचित शोषित असहायों के नाम पर राजनीति करते रहे हैं, ऐसे में जो अभी विपक्ष की जितने भी खेमे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है दलित वंचित शोषित असहाय और पिछड़ों की यदि भले की बात आए तो हम लोगों ने उनके लिए भले का काम किया है, जबकि जो भाजपा है वो अमीर लोगों की और धनाढ्य लोगों की पार्टी है, ऐसे में वो गरीबों की उनको भला कहाँ से सूद होगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही सोच है, जैसे मैंने बताया कि लाइन में अंतिम खड़े व्यक्ति के लिए, हमारे जो प्रणेता दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने जिनके सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चलती है, एकात्म मानववाद अंत्योदय, जिस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिस सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, शोषित वंचित दलित, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पीछे जो बिल लेके आए हैं, उन्होंने जिस तरह से सिद्ध करके दिखा दिया है कि यही एक पार्टी है जो गरीब कल्याण कर सकती है, जो गरीबों के हक में खड़ी है। प्रधान जी, आखिरी सवाल, चुनाव नज़दीक है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बार की जो हमारे पास जानकारी आ रही है चुनाव ऐतिहासिक होंगे, चाहे केंद्र की बात करें चाहे स्टेट की बात करें, तो आप लोगों की तैयारियाँ कैसी हैं चुनाव को लेकर के? हमारे लिए चुनाव, सभी चुनाव हमारे लिए त्यौहार होते हैं, हमारे लिए तो पाँचों साल, क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, पाँचों साल हम काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ भिवानी जिले में 830 बूथ हैं, हर बूथ के ऊपर हमने 11-11 की इकाई गठित की हुई है, ईच बूथ 10 यूथ करके, और हर बूथ के ऊपर हमारा एक एक पालक करके हम सब बूथों का एक सम्मेलन बहुत जल्दी यहाँ करवाने वाले हैं, जो हमारे शक्ति केंद्र के माध्यम से, चाहे हमारे जितने भी मोर्चे पलकर्प विभाग वो सब हैं, सबकी रचना हमने कर दी है, सबकी इकाइयां मंडल तक गठित कर दी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। जब भी इलेक्शन होंगे हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। चुनौती के लिए तैयार हैं, तो सीटों का कितना दावा कर रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में 350+ सीटें लेके आएगी, और हरियाणा में भी हम 60 से ऊपर सीटें जीत के हरियाणा में सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद रहे भाजपा जिला अध्यक्ष भिवानी नंदराम धानिया और यहाँ की पूरी इकाई, तमाम पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो साफ तौर पर कहा जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया ने, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो आरोप और प्रत्यारोप सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं वो उनकी हार की बौखलाहट कही जा सकती है, और बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हो रही हैं, चाहे उपसभापति का चयन में NDA का व्यक्ति राज्यसभा में चुन करके आना हो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की किरकिरी होना हो, तमाम प्रकार के आरोप यहाँ पर सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। और नंदराम धानिया ने साफ तौर पर कहा कहीं ना कहीं जो इस बार जो चुनाव होंगे वो ऐतिहासिक तो हैं ही, और 60+ हरियाणा में जीतने का दावा ये कर रहे हैं, और केंद्र में 350+ यहाँ से सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, और गरीब कल्याण वर्ष के रूप में ये मना जा रहा है। कहीं ना कहीं जो शोषित और वंचित असहायों के नाम पर विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, जिस प्रकार नंदराम धानिया ने कहा वो जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाला समय अब जा चुका है और परिवर्तन का दौर आ गया है। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। भिवानी से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।